नमस्कार, मैं मनीषा राजभर, इंडिया लाइफ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। डालते हैं नजर अभी के हेडलाइंस पर। यूपी में मौसम ने फिर भर पाया कहर, बिजली गिरने से एक दर्जन की मौत। हैदराबाद पंजाब मैच में बने ये दिलचस्प रिकॉर्ड और आंकड़े। शशिकला और विद्या बालन को सम्मानित करेगी महाराष्ट्र सरकार। दिलीप संघवी को पछाड़, मुकेश अंबानी फिर बने सबसे धनी भारतीय। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने दुनिया में सबसे धनी भारतीय का अपना रुतबा फिर से हासिल कर लिया है। अंबानी 19.6 अरब के नेटवर्क के साथ वह पहले स्थान पर है, जबकि औषधि क्षेत्र के दिग्गज दिलीप सांघवी 7 सप्ताह शीर्ष स्थान पर रहने के बाद दूसरे स्थान पर आ गए हैं। शेयर बाजार में गिरावट के बीच सांघवी की अगुवाई वाली सन फार्मा का शेयर मूल्य आज 2% से अधिक नीचे आ गया है, जबकि अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर केवल 0.55% गिरा। हैदराबाद पंजाब मैच में बने ये दिलचस्प रिकॉर्ड और आंकड़े। आईपीएल 8 के 27वें मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आमने सामने थी। मैच में हैदराबाद ने 150 रनों का शानदार अंदाज का बचावा करते हुए पंजाब को 130 रनों तक ही सीमित रखा और 20 रनों से जीत दर्ज की। शशिकला और विद्या बालन को सम्मानित करेगी महाराष्ट्र सरकार। अदाकारा शशिकला और विद्या बालन को महाराष्ट्र सरकार राज कपूर की स्मृति में दिए जाने वाले पुरस्कारों से सम्मानित करेगी। सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावड़े ने बताया कि शशिकला को राज कपूर लाइफटाइम योगदान पुरस्कार और विद्या बालन को राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार वितरण समारोह 30 अप्रैल को पुणे में आयोजित किया जाएगा। कराची की घेराबंदी, पाकिस्तान की तख्तापलट की तैयारी। पाकिस्तान में सेना नए तख्तापलट की ओर बढ़ रही है। सेना ने कराची की घेराबंदी शुरू कर दी है। हालांकि इस बार सेना का अंदाज बदला हुआ है और सीधे संघीय सरकार निशाने पर नहीं है। आर्थिक राजधानी कराची पर नियंत्रण स्थापित कर सेना दबदबा बढ़ाना चाहती है। इससे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए आने वाले दिनों में नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। यूपी में मौसम ने फिर भर पाया कहर, बिजली गिरने से एक दर्जन की मौत। बेमौसम बारिश के बाद भूकंप के झटकों के अभी उत्तर प्रदेश के लोग उभर नहीं पाए थे कि आज तड़के तेज आंधी तथा बारिश फिर से कहर बन गई। बारिश के दौरान बिजली गिरने से आधा दर्जन लोगों ने दम तोड़ दिया तो आंधी के कारण जगह जगह पर होर्डिंग तथा खंभे गिरने से लोगों की जीवन प्रभावित है। मनीषा राजभर, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ ताजा खबरों के साथ। ज्यादा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं www.indialivenews.in पर। नमस्ते।